नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज हम बात करेंगे निसान मैग्नाइट के एक्सी बेस मॉडल की और निसान मैग्नाइट के एक्सवी प्रीमियम टॉप मॉडल की। तो आज इन दोनों मॉडल्स में आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे मात्र 45,000 रुपये में ये बेस मॉडल की गाड़ी कैसे टॉप मॉडल में बदल गई थी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हम बताएंगे कि आपको कंपनी फिटेड एसेसरीज कंपनी में ही कैसे ही मिल गई मात्र 45,000 रुपये में। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सी का बेस मॉडल आपको पड़ता है 6,30,000 रुपये का और एक्सवी प्रीमियम टॉप मॉडल पड़ता है 8,60,000 रुपये का। और 45,000 की एसेसरी लगा के हमको ये गाड़ी पड़ी है केवल 6,75,000 रुपये की। तो आइए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो एक्सी के बेस मॉडल में आपको सेम जैसा टॉप मॉडल में आपको ग्रिल मिलता है, सेम इसमें आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको इसमें हेलोजन हेडलाइट्स मिलेंगे LED हेडलाइट्स के साथ और इसमें आपको LED DRLs मिलेंगे विद फॉग लैम्प्स एंड मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं। बेस और टॉप मॉडल में एक बेसिक सा डिफरेंस है ORVMs का। इसमें आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलते हैं और इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल अलॉन्ग विद इंडिकेटर्स ORVMs मिलते हैं। और यह है मैग्नेट, इसकी बैजिंग दोनों मॉडल्स में आपको मिलेगी, चाहे बेस हो चाहे टॉप। अब व्हील्स की तरफ जाएं तो यहाँ हमें एज एसेसरी पार्ट व्हील बेस ऐसा मिलता है और ये इसका 16 इंच का अलॉय व्हील। ऊपर आपको डोर वाइजर एसेसरी पार्ट हमने लगवाए गए हैं इसमें और इसका रियल लुक भी काफ़ी प्रीमियम है। दोनों मॉडल्स में आपको बैक वाइपर्स मिलते हैं और नीचे आपको ब्लैक कलर का डिफ्यूजर मिलेगा। मैग्नेट की ऊपर आपको बैजिंग मिलती है, 4 पार्किंग सेंसर्स भी है नीचे। और टॉप मॉडल की तरफ जाएं तो आपको ब्रीच में क्रोम की लाइनिंग देखने को मिलेगी विद रियर बम्पर डिफ्यूजर सिल्वर। और यहाँ आपको ब्लैक कलर डिफ्यूजर मिलता है और वहाँ सिल्वर डिफ्यूजर है। तो ये है कुछ इसकी प्यारी ही साइड प्रोफाइल। व्हील कैप्स इसमें काफ़ी अच्छे लगाए हैं, ये सब कंपनी फिटेड एसेसरीज है। ORVMs बेस मॉडल में आपको मैनुअल की मिलती है और हमने इसमें सेंट्रल लॉकिंग एज एसेसरी पार्ट लगवाया है। तो आइए अब इसके ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटरेस्ट मिलते हैं, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी बीच में, फैब्रिक का फिनिश। और यहाँ आपको 4 पावर विंडोज मिलते हैं। एंटी पिंच आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। और ये हैं इसके मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs। डुअल टोन इंटीरियर्स आपको दोनों मॉडल में देखने को मिलेंगे और ये हैं इसके PU लेदर सीट्स जो एसेसरी के तौर पे हमने लगाए हैं। टच स्क्रीन भी आप हमने इसमें एज ए कंपनी फिटेड एसेसरी के तौर पे लगाया है। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है, ये टॉप एंड में आता है। जब हम निसान मैग्नाइट के एक्सी वेरिएंट के इंटीरियर्स में आ चुके हैं तो यहाँ पे इसकी MID की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी MID देखने को मिलेगी, फुल्ली डिजिटल MID यहाँ पे आपको मिलेगी। और आप यहाँ पे इसके कैबिन का साउंड भी सुन पा रहे होंगे। सो गाइस, काफी लाइट स्टेयरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैग्नाइट में। और कुछ ये इंजन साउंड है इसका। और एज अ कंपनी फिटेड यहाँ तो आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती है, बट एज एसेसरी पार्ट यहाँ पे आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जो आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं बेस वेरिएंट में। और यहाँ आपको USB पोर्ट्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। AC की बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल AC मिलता है।
ओवरऑल इसका एसी भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है जैसे हम देख पा रहे हैं। देखिए तो आप ध्यान सुनिए इसके कैबिन के साउंड को, हमें हल्की सी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं इसके कैबिन में। और अब अगर वैनिटी मिरर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड तो वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर साइड तो नहीं है, और लाइट भी आपको यहाँ मिल जाएगी, डुअल लाइट्स हैं यहाँ पे अलोंग विद रियर व्यू मिरर। चारों साइड आपको ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स अलोंग विद सम स्पेस दोनों चीजें मिलती हैं। और ये हमारी गाड़ी का सिस्टम, और यहाँ से आप चारों विंडोज को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, विंडोज लॉक एंड विंडोज अनलॉक। और ये तो हमारा निसान मैग्नाइट का इंटीरियर। स्टीयरिंग में आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। गाइस अब हम निसान मैग्नाइट के टॉप एंड मॉडल के अंदर आ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं इसकी एमआईडी से। तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल एमआईडी मिलती है अलॉन्ग विद इंजन टेम्परेचर एंड फ्यूल लीकेज। तो इसके एमआईडी में ही आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग से ही आप इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डिमिंग कंट्रोल्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ट्रिपोमीटर्स वगैरह। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आप देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये था इसका कुछ टच स्क्रीन का ओवरव्यू। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं जैसा देख पा रहे हैं। कंपनी फिटेड टच स्क्रीन है यहाँ पे, वॉइस कमांड जैसा ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके टच स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा विद द ड्राइविंग इको मोड। ट्रिप रिमोट में आप इसके एवरेज स्पीड, एवरेज कंजम्पशन को भी देख सकते हैं। इको कोचिंग, इको स्कोरिंग एंड अदर अदर्स मोड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब इसके यूनिक फीचर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा की तरफ जाएं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस क्वालिटी का पार्किंग कैमरा मिलता है, आप अगल बगल गाड़ी के देख सकते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, और अच्छी क्वालिटी का कैमरा है आपको देखने को मिलेगा। 360 में अगर हमारी गाड़ी के अगल बगल कोई होगा तो बता देगा। और इसके एसी की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई लो का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे आप इसके फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे आपको USB पोर्ट देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद टू आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर्स। और ये इसका रियर एसी वेंट्स, टॉप एंड में आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लाइट के साथ आपको ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा, एयर कूल्ड नहीं है यहाँ पे। मिरर की पैसेंजर साइड तो आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा, और ड्राइवर साइड भी आपको बिल्कुल मिलता है। टॉप एंड में आपको ये फीचर मिल जाएगा, टॉप एंड में काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको इसके बेस एंड में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो गाइस अब इसके रियर पैसेंजर डोर को ओपन करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ आपको पूरा फैब्रिक का फिनिश देखने को मिलेगा जैसे आगे है, और ये इसके पावर विंडोज, रियर सीट्स में भी पावर विंडोज देखने को मिलेंगे, और ये इसके लेदर PU सीट्स एज अ एसेसरी पार्ट। तो अभी इसमें बैठ के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिलती है, ड्राइवर साइड सीट हमने पूरी पीछे करके रखी फिर भी अच्छी स्पेस मिल रही। और ये इसका डुअल टोन इंटीरियर। रियर सीट्स में आपको इस मॉडल में एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे, रियर एसी वेंट्स, बट ऊपर ये लाइट आपको ज़रूर दी है यहाँ पे। ओवरऑल काफ़ी ही स्पेशियस कैबिन है निसान मैग्नाइट का जैसा हमें देखने को मिला है। अब इसके बूट को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको 336 लीटर का बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलेगा, यहाँ आपको लाइट भी देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विद अ हुक। अब इसके स्पेयर व्हील की तरफ जाएं तो यहाँ आपको 16 इंच का नॉर्मल स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। सो गाइस ये था हमारा वीडियो निसान मैग्नाइट पर। सो गाइस अब हम दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। तो XC के बेस मॉडल में एक्सेसरीज लगाने के बाद इसकी कीमत बनती है 6,75,000 रुपये,
जो एक्सी प्रीमियम से 2 लाख रुपए कम है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप एक्सी के बेस मॉडल के साथ जाएंगे तो आप अपने 2 लाख रुपए बचा सकते हैं अलॉन्ग विथ सम एक्सेसरीज। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो दोनों मॉडल्स को कंपेयर करने के बाद। जय हिंद।